दोस्तों, एक ऐसा देश जहां पर प्यार करने वालों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है। एक ऐसा देश जहां पर संभोग करने की शादी करने से पहले पूरी छूट है। एक ऐसा देश जहां की सरकार नाजायज संबंधों को भी जायज ठहरा देती है। एक ऐसा देश जहां पर लड़कों से ज़्यादा लड़कियां हस्तमैथुन करने पर विश्वास रखती हैं। एक ऐसा देश जहाँ पर पुरुष हमेशा महिलाओं की गुलामी करते हैं। जहाँ पर पति घर का सारा काम करता है और पत्नी नौकरी और बिजनेस करती है। यानी कि जैसे हमारे देश में ज़्यादातर महिलाएं हाउस वाइफ होती हैं, उसी तरह वहाँ पर हाउस हस्बैंड होते हैं। एक ऐसा देश जहाँ पर बच्चा पैदा होते ही उस बच्चे के ऊपर नमक लपेटा जाता है। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम है तुर्की। लेकिन दोस्तों, तुर्की के इन अजीबोगरीब और गंदे रीति रिवाजों के बारे में खुलासा करने से पहले आपको बता दें, तुर्की दुनिया के खूबसूरत देशों में से एक है। यह दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसका कुछ भाग यूरोप में तथा अधिकांश भाग एशिया में पड़ता है, इसीलिए इसे यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है। तुर्की का सिर्फ कुछ ही हिस्सा यूरोप में है, लेकिन पूरे यूरोप में पक्षियों की सबसे ज़्यादा प्रजातियां तुर्की में ही पाई जाती हैं। तुर्की की राजधानी अंकारा है और तुर्की का सबसे बड़ा शहर है इस्तांबुल। तुर्की में दुनिया के तीसरे सबसे ज़्यादा फेसबुक इस्तेमाल करने वाले लोग रहते हैं। पहले नंबर पर अमेरिका और दूसरे नंबर पर ब्रिटेन है। तुर्की की GDP दुनिया की 17वीं सबसे बड़ी GDP है। तुर्की की सीमाएं करीब 8 देशों से जुड़ी हुई हैं। इस्तांबुल का सेंट्रल मार्केट दुनिया के सबसे पुराने और बड़े मार्केट में है। यहाँ 64 गलियाँ, 4000 दुकानें और 25,000 लोग काम करते हैं। ये 15वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य की ओर से बनाया गया था। दोस्तों, तुर्की में प्यार करने वालों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है। इस देश में शादी से पहले ही शारीरिक संबंध बनाने की पूरी छूट है। इस देश की सरकार नाजायज संबंधों को भी जायज ठहराती है। इस देश में लड़कों से ज्यादा लड़कियां हस्तमैथुन करने में विश्वास रखती हैं। दोस्तों, इस देश में पुरुष हमेशा महिलाओं की गुलामी करते हैं। जहां पर पति घर का सारा काम करते हैं, वहीं पत्नियां नौकरी और बिजनेस करती हैं। यानी कि जैसे हमारे देश में ज्यादातर महिलाएं हाउस वाइफ होती हैं, इसी तरह वहाँ पर हाउस हस्बैंड होते हैं। तुर्की में शेर के लिए असलाम शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो नार्निया नामक बुक सीरीज में दर्शाया गया है। तुर्की के लोग देशभक्ति के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग अपने देश के प्रति कभी गलत नहीं बोलते। दोस्तों, तुर्की की महिलाएं भी दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में गिनी जाती हैं, और यहाँ के ज़्यादातर लोग यूरोपियन जैसे ही दिखते हैं। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफा कमाल पाशा को माना जाता है। तुर्की में स्थानीय पारंपरिक लाल टोपी पर बैन है। इस पर बैन मुस्तफा कमाल पाशा ने लगाया था। उन्हें लगता था कि ये कट्टरता की निशानी है। तुर्की दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा पर्यटक स्थल है। महान ऐतिहासिक शहर ड्राई तुर्की में ही था। दोस्तों, तुर्की में 82,683 से भी ज़्यादा मस्जिदें हैं, जो इसे दुनिया में सबसे ज़्यादा मस्जिदों वाला देश बनाता है। दुनिया में इंसानों द्वारा बनाया गया पहला चर्च तुर्की में है। इसे केम चर्च या संत पीटर चर्च कहते हैं, जो 1098 से 1268 ईस्वी के बीच बनाया गया था। तुर्की में बच्चा पैदा होते ही उस बच्चे के ऊपर नमक लपेटा जाता है, इसे साल्टिंग कहते हैं। माना जाता है कि इससे बच्चे को हर बुरी स्थिति से दूर रखा जा सकता है। तुर्की में मधुमक्खियों का पालन बड़े पैमाने पर किया जाता है। पत्रकारों के लिए तुर्की दुनिया का सबसे खतरनाक देश है। तुर्की में सर्वाधिक पत्रकारों को जेल भेजा गया है। यूरोप को कॉफी का ज्ञान तुर्कीश लोगों ने ही दिया था। तुर्की में फूलों की लगभग 9,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। तुर्की प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से 2 अजूबों का घर है। तुर्की के ग्रांड बाजार में हर साल करीब 9 करोड़ लोग खरीदारी करने आते हैं। तुर्की क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 37वां सबसे बड़ा देश है। तुर्की में ईसा से लगभग 7,500 वर्ष पहले मानव बसाव के प्रमाण मिले हैं। सेंटा क्लोज उर्फ सेंटा निकोलस का जन्म तुर्की में ही हुआ था। सेंटा क्लोज ने तुर्की के पतारा में 3री शताब्दी में जन्म लिया था। इस्तांबुल दुनिया का इकलौता शहर है जो 2 महाद्वीपों में फैला है। तुर्की का महज 3% हिस्सा ही यूरोप में पड़ता है। इसके बावजूद ये यूरोपीय देश के तौर पर गिना जाता है।
जबकि तुर्की की 97% जगह एशिया में पड़ती है। तो दोस्तों, तुर्की के इन अजीबोगरीब रहस्यों के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।